देखना चाहती ऑडियंस केजीएफ 2 में यश की सिगरेट से किसके तन बदन में उठता है धुआं। यूं तो दुनिया भर में केजीएफ 1 के फैंस भरे पड़े हैं, लेकिन केजीएफ 2 में वापस वो सीन्स ना दिखाए जाने पर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल केजीएफ 1 में कुछ ऐसे सीन्स थे जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को बढ़ावा देते नजर आए थे, तो हमारा सवाल ऑडियंस से ये है कि क्या उनको फिल्म के कंटेंट से प्रॉब्लम है या फिर हमारे रॉकी भाई से। मानो स्टॉकिंग इज अ सीरियस ऑफेंस, पर रॉकी का कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है कि वो एसआरके की तरह बाहें फैला के अपनी हीरोइन को अपने पास नहीं बुला सकता था। दरअसल रॉकी पहला ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो बड़े पर्दे पर ऐसा करता हुआ नजर आया है। इससे पहले साउथ की फिल्म अर्जुन रेड्डी का रीमेक कबीर सिंह में भी कुछ ऐसा ही नजर आया था। जी हाँ, जब कबीर सिंह प्रीति को थप्पड़ मारते हैं तो उसे पोजेसिवनेस वाला प्यार कहा जाता है, पर जब वही हमारे रॉकी भाई अपने प्यार यानी रीना को स्टॉक करते हैं तो लोग उसे गलत कहते हैं। ये कैसा अन्याय है। केजीएफ 1 से यश का स्टारडम काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से आने वाली फिल्म में अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उसकी वजह से उनकी ऑडियंस भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन ऑडियंस को ये समझना होगा कि फिल्म में दिखाया गया कैरेक्टर बस एक काल्पनिक किरदार है और उसके द्वारा किए गए एक्शंस स्क्रिप्ट की डिमांड है, ना कि एक्टर की पर्सनल चॉइस। अब आप खुद ही सोचिए, प्यार में पड़े आशिक का जब दिल टूटेगा तो वो देवदास ही बनेगा ना। लेकिन फिर भी लोग इसे गलत कहते हैं। वो शाहरुख खान को कहते हैं कि वो अल्कोहल को प्रमोट कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर ऑडियंस ऐसा सोचेगी तो हमें न्यू एज का देवदास कहां से मिलेगा। और अगर किसी को इस फिल्म से गलत मैसेज पहुंचता तो ऑडियंस स्टॉकिंग करती और सिगरेट फूंकती हुई नजर आती, ना कि यश की फिल्म के लिए हॉलीडे लेती हुई नजर आती और ना ही यश के बर्थडे के लिए नेशनल हॉलीडे की डिमांड करती। ऐसे में साउथ में स्वैग का चलन पहले से ही चलता आ रहा है, फिर चाहे वो गन चलाने का स्टाइल हो या फिर यश की सिगरेट जलाने का स्टाइल। और सीक्वल के आने से पहले ही इतने सारे रिकॉर्ड्स अपने आप में ही ये दर्शाता है कि ऑडियंस केजीएफ 2 के लिए कितनी एक्साइटेड है। तो एक बार फिर से वही स्वैग विद नोटिस लेकर आ रहे हैं प्रशांत नील अपनी फिल्म केजीएफ 2 के साथ। तो इसी के साथ मैं आप सब से अलविदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यही इसी चैनल पर। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।